हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। और देखते हैं पहले कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। बताया गया है कि रिसर्च प्लस मेथड इक्वल टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ठीक, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस लेक्चर में अपने समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च हम किसे कहते हैं इसको पहले हम समझेंगे, फिर इससे क्या मेथड्स होते हैं इसको हम समझ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी किसे हम कहते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। बताया गया है रिसर्च, रिसर्च में दो शब्द होते हैं, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है, बताया गया है, द टर्म्स रिसर्च कंपराइज टू वर्ड, इसमें दो वर्ड बताए गए हैं, मिनिमली री एंड सर्च। जनरली री मीन्स होता है अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, और सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, कुछ फाइंड आउट मतलब कुछ खोजना, सर्च मीन्स कुछ खोजना, और रिमस दोबारा अगेन, और इन दोनों को मिलाकर हम रिसर्च कहते हैं। मतलब अगर किसी कोई फैक्ट है, अगर इसको कोई नॉलेज है, अगर इस पर हम दोबारा वर्क करते हैं, उसे दोबारा उसमें कुछ हम खोजना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। बताया गया है, सो रिसर्च मीन्स ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए, रिसर्च मिस खोजना होता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हमारा, इन्वेस्टिगेशन नहीं लेकिन ही नहीं लेकिन वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, कोई सिस्टम के आधार पर होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन। और एक्टिविटी टू गेन न्यू नॉलेज, अरे रिसर्च न्यू नॉलेज गेन करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ रिसर्च दिया गया है, फाइंड आउट अगेन मतलब कोई फैक्ट को हम अगेन रिफाइंड करते हैं तो उसे हम रिसर्च करते हैं, लेकिन बताया गया न्यू नॉलेज को भी हम रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसके उसका हम न्यू नॉलेज कि उसके बारे में हम न्यू नॉलेज भी खोजते हैं, गेन करना चाहते हैं। ठीक, रिसर्च इन कॉमन पार्लेंसी रेफर्स टू ए रिसर्च फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च अगर कॉमन सेंस में इसको हम देखा जाए तो रिसर्च का मतलब होता है सर्च फॉर नॉलेज, रिसर्च मीन्स सर्च फॉर नॉलेज। जब हम सर्च करते हैं, खोज करते हैं नॉलेज के लिए, तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। वंस कैन ऑल्सो डिफाइन रिसर्च एज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। जब हम इस कोई सी स्पेसिफिक टॉपिक पर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च करते हैं तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। इन फैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। बताया गया है कि जो रिसर्च होता है ना, वो एज ए क्या होता है, आर्ट होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ बताया गया है रिसर्च इज एन आर्ट, रिसर्च एक कला है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बताया गया है द एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश ले डाउन द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च की यहाँ एक डिफिनेशन दी गई है, एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इंक्वायरी स्पेशली थ्रॉट सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज का मतलब यह है कि पॉलिटिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, सोशल साइंस को संबंधित होना चाहिए, सोशल साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जियोग्राफिक हिस्ट्री, ये सभी ब्रांच ऑफ नॉलेज का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, और क्या है, जियोग्राफी हिस्ट्री, ये हमारे ब्रांच ऑफ नॉलेज हैं, ब्रांच है नॉलेज के। ठीक, तो इनसे संबंधित हम रिसर्च कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन दिए गए हैं ढेर सारे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बताया गया है
रेडमैन एंड मोरी डिफाइन रिसर्च एज सिस्टेमेटाइज्ड इफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। यानी सभी डिफिनेशन देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलता हुआ है इसमें। सिस्टेमेटाइज्ड इफर्ट, हमको सिस्टम से के आधार पर इफर्ट देते हैं और उससे हम क्या करते हैं, गेन प्राप्त करते हैं, न्यू गेन, न्यू नॉलेज ऑफ गेन प्राप्त करते हैं। सम पीपल कंसीडर रिसर्च एज ए मोमेंट फ्रॉम द अननोन टू द नोन। इट इज एक्चुअली ए वॉयज ऑफ डिस्कवरी। क्या होता है कि सम पीपल कंसीडर करते हैं कि रिसर्च क्या है, एक मोमेंट है। रिसर्च क्या है, एक मोमेंट है। हम कुछ चीज नहीं जानते हैं, अननोन है, हम कुछ चीज नहीं जानते, अननोन है, तो उसको हम मोमेंट, मतलब यहाँ अननोन से नोन पर जाने के लिए, अननोन से नोन पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, मोमेंट करते हैं। जब हम अननोन से नोन पर जाते हैं, जो हम कुछ नहीं जानते हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और उस जानते हैं, तो क्या करते हैं, उसको एक मोमेंट होता है अननोन से नोन की तरफ, तो इस मोमेंट को भी हम रिसर्च कहते हैं। कुछ पीपल ऐसा कंसिडर करते हैं, यहाँ यही वर्ड लिखा गया है कि सम पीपल कंसिडर रिसर्च एज ए मोमेंट फ्रॉम द अननोन, सॉरी यहाँ अननोन होना चाहिए, अननोन से नोन की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर एक डिफिनेशन और दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड उडी रिसर्च कंपराइजेस डिफाइन एंड रीडिफाइन, बताया गया है कंपराइजेस डिफाइन एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम्स फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन कोलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग क्या डेटा मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis। ये क्या है, जो हमारा रिसर्च करने का जो एक प्रोसेस होता है ना, स्टेप होता है, जो रिसर्च करने का एक स्टेप होता है, इसी स्टेप को ही यहाँ पर रिसर्च की डिफिनेशन बता दिया गया है। रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं तो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन या रीडिफाइन प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम पहले, सबसे पहले हम खोजते हैं कि आखिर में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करने जा रहे हैं, क्या हम किस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करते हैं, मींस डिफाइन एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस अपना फार्मूलेट करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि जो हमारे माइंड, जो हमको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ये हमारी क्या है, हाइपोथेसिस है। तो हम सेकेंड स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं तो उसके पास हम डेटा, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं डेटा को। फिर क्या करते हैं, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड फिर उसके बाद इवेल्युएट करते हैं ऑफ डेटा, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन। फिर इस डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, एंड उस कंक्लूजन को क्या हम करते हैं, जो एक कंक्लूजन निकालते हैं, इसको हाइपोथेसिस के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में क्या मतलब टेस्ट क्या है, हाइपोथेसिस का हम टेस्ट करते हैं इस कंक्लूजन के साथ। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में जब हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में, तब। द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट फॉर द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फिर इसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं क्या जो हमारा एक कंक्लूजन आया है वो हाइपोथेसिस के आधार पर फिट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिसर्च। रिसर्च पर यहाँ डिफाइन कर दिया है कि जो रिसर्च का प्रोसेस होता है ना, उसको ही रिसर्च की डिफिनेशन बना दी गई है। रिसर्च मीन्स डिफाइन रीडिफाइन प्रॉब्लम, फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस या सजेस्टेड सोल्यूशन, कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑफ डेटा, मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन, एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग ऑफ द कंक्लूजन, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रोसेस को ही हम रिसर्च के नाम से जानते हैं यहाँ पर। और यहाँ बताया गया, इन शॉर्ट द रिसर्च फॉर नॉलेज थ्रॉट ऑब्जेक्ट टू
एंड सिस्टमैटिक मेथड टू ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज रिसर्च। दिया गया है इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो रिसर्च क्या है, सर्च फॉर नॉलेज, हम कुछ सर्च करते हैं किसके लिए, नॉलेज के लिए, थ्रू किसके द्वारा, एक ऑब्जेक्टिव हम बना लेते हैं एंड सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, सिस्टमैटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। सिस्टमैटिक मेथड के आधार पर फाइंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं सिस्टमैटिक मेथड के आधार पर, ठीक है। दिस सिस्टमैटिक अप्रोच कंसर्निंग जनरलाइजेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ ए थ्योरी इज आल्सो रिसर्च, मतलब अगर हम कोई थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं या जनरलाइजेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से। अब यहां बताया गया है ये रिसर्च के बारे में, कुछ बताया गया कि रिसर्च जो रिसर्च होता है ना वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी, रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल किसे हम कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज मींस इज ए मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, अरे ये माइंड का काम है सॉरी जो रिसर्च होता है ना ये माइंड का वर्क है, फंक्शनिंग ऑफ माइंड, फंक्शनिंग ऑफ माइंड यानी माइंड। और जब माइंड की बात आती है तो हमें पता है कि प्रत्येक पर्सन की माइंड जो होती है वो अलग अलग वर्क करती है, कुछ व्यक्ति की माइंड जो होती है डेवलप होती है, कुछ व्यक्ति की माइंड जो होती है अंडर डेवलप होती है, और कुछ व्यक्ति की माइंड जो होती है अनडेवलप होती है। तो बताया गया है कि इंटेल मतलब रिसर्च वही व्यक्ति कर सकता है, वही पर्सन कर सकते हैं जिनकी माइंड क्या होती है, डेवलप होती है, डेवलप होती है। बताया गया है रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड आर परसूड बाय दोज पर्सन हु आर गिफ्टेड इन इंटेलेक्ट एंड सिंसियर इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, माने जिनके पास क्या हो ए इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्ट माइंड हो, डेवलप्ड माइंड हो, वही कर सकते हैं। बट इट इज नॉट करेक्ट, बट ऐसा करेक्ट नहीं है, कहा गया है टू से दैट द रिसर्च इज रिस्ट्रिक्टेड टू सच टाइप ऑफ पर्सन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसका जिस पर्सन का माइंड बहुत ज्यादा डेवलप है वही रिसर्च कर सकता है, नहीं, सामान्य इंसान भी क्या कर सकता है, मनुष्य भी रिसर्च की एक्टिविटीज कर सकता है, रिसर्च की एक्टिविटीज कर सकता है वो अपने अनुभव के आधार पर, वो अपने अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है, जैसे जैसे उसकी क्या होती है माइंड डेवलप होता जाता है और वो रिसर्च की एक्टिविटीज कर लेता है। हाउएवर इट इज करेक्ट टू से दैट मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च कम्स फ्रॉम हाईली गिफ्टेड एंड कमिटेड वर्कर्स, मतलब जो वर्कर है वो हाईली कमिटेड है अपने वर्क को लेकर, वो क्या कर सकता है रिसर्च की एक्टिविटीज कर सकता है। देखते हैं यहाँ पर बताया गया है रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटीज, रिसर्च क्या है एक एकेडमिक एक्टिविटीज है, एकेडमिक एक्टिविटीज का मतलब यह है कि फैकल्टी हो गया, फैकल्टीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और ऑफिस ऑफ डिप्टी वाइस चांसलर, ये क्या है, रिसर्च किया जा सकता है किसी फैकल्टी में किया जा सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किया जा सकता है या किसी ऑफिस ऑफ डिप्टी वाइस चांसलर के ऑफिस में किया जा सकता है, रिसर्च हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च करने के लिए फैकल्टी होनी चाहिए, हमारी एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या ऑफिस होना चाहिए, एंड सच, ठीक है, एंड सच एज रिसर्च क्या है एक एकेडमिक एक्टिविटीज है, एक्टिविटी है, एंड एज सच द टर्म शुड बी यूज्ड इन ए टेक्निकल सेंस, ये टर्म जो यूज किया गया है वो टेक्निकल सेंस में यूज किया गया है। बताया गया है अगर एक टीचर है अगर वो रिसर्च करना चाहता है अपने स्टूडेंट पर तो वो कैसे कैसे वो रिसर्च कर सकता है, तो बताया गया है यहाँ पर कि एक जो एक टीचर है एज ए टीचर अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ये सभी क्वेश्चन अराइज होंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन अराइज होंगे अगर हम अपने स्टूडेंट पर रिसर्च करना चाहते हैं एज ए टीचर, तो बताया गया है व्हाट आर दी कॉमन कंडीशन प्रिवेंट एमंग रूरल स्टूडेंट, बताया गया है कि वो कौन से कॉमन
कंडीशन होते हैं कि जो प्रिविलेंट करते हैं, रोकते हैं कि रूरल स्टूडेंट जो ग्रामीण स्टूडेंट होते हैं उनकी ग्रामीण स्टूडेंट को कौन कौन से कंडीशन फेस करने होते हैं जो उनकी उनको रोकते हैं पढ़ने में, ठीक, स्टडी करने में। व्हाट आर दी पॉसिबल काजेज ऑफ सच कंडीशन, और उस जो कंडीशन है उसके लिए पॉसिबल काजेज क्या क्या हैं, वजह उसकी वजह क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ पेरेंट्स विथ द टीचिंग ऑफ स्कूल, और स्कूल का जो टीचिंग है, स्कूल के टीचिंग से पेरेंट्स कितने सेटिस्फाई हैं। जो कॉलेज अपना टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को, तो उस स्टूडेंट के माता पिता पेरेंट्स कितने परसेंटेज सेटिस्फाई हैं। द चेंज इन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट विथ द चेंज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, अगर हम टीचिंग के मेथड में चेंज करते हैं तो उससे हम देखते हैं कि स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग में कितना चेंज हुआ है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या, पहले जैसे हम देखते हैं अगर कोई हम मेथड जो टीचिंग करने की मेथड्स होती हैं वो बहुत सारी ढेर सारी होती हैं, ठीक है, तो अगर हम मेथड टीचिंग और चेंज इन दी मेथड्स ऑफ टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल में या अंडरस्टैंडिंग लेवल में कितना अंतर होता है, कितना चेंजिंग होता है, ये इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से। बताया गया है द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मे बी इंडलेस, मतलब ये जो लिस्ट दिया गया है वो एक कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये ऐसा लिस्ट हो सकता है कि वो कभी समाप्त ही ना हो। रिसर्च हैव टू बी अंडरटेकन टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, मतलब रिसर्च के माध्यम से ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनके हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च मतलब एक रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बताया गया है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, जो होता है ना रिसर्च का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है कि वो आंसर फाइंड आउट करते हैं टू द क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर वो फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज रिसर्च। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रोसीजर, कैसे, साइंटिफिक प्रोसीजर के माध्यम से, साइंटिफिक प्रोसीजर के माध्यम से अप्लाई अप्लाई साइंटिफिक प्रोसीजर। इन अदर वर्ड द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडेन, कोई ऐसा ट्रूथ है जो कि हिडेन है उसको हम रिसर्च के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं, एंड हैज नॉट एट बीन डिस्कवर्ड, जो कि अभी तक खोजा नहीं गया गया है, कोई ऐसा ट्रूथ है जो कि अभी तक हिडेन है उसको उसकी खोज अभी तक नहीं की गई है, तो रिसर्च के माध्यम से उस हिडेन ट्रूथ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो एवरी रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी जितने भी हम रिसर्च करते हैं उसका एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द रिसर्च ऑब्जेक्टिव मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज फॉलो, यहाँ बताया गया है कि एक रिसर्च करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है। टू गेन फेमिलियरिटी विथ न्यू इनसाइट इनटू ए फिनोमिना, मतलब कोई एक नया फिनोमिना है जिसको हम क्या करते हैं उससे संबंधित हम न्यू गेन प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। टू एनालाइज दी फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स, कोई फ्रीक्वेंसी है जैसे एक स्टूडेंट है वो अपना स्टडी कर रहा है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है उसके माइंड में चेंजिंग हो रही है, तो इस फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर सकते हैं उसके उसकी बिहेवियर को, एक स्टूडेंट के बिहेवियर को उसकी फ्रीक्वेंसी को, जैसे वो हमेशा दोहराता है जैसे बार बार, अगर उस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ऑफर सॉल्यूशन ए प्रॉब्लम, बताया गया है अगर कोई क्वेश्चन है उसका प्रॉब्लम उसका जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन का प्रॉब्लम है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए किसके माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। एक्सप्लोर एंड एनालाइज सम मोर जनरल इशू, मतलब कोई इशू है उस पर उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोड्यूसर एंड सिस्टम, प्रोड्यूसर सिस्टम कह सकते हैं, कोई हम नया प्रोसेस जो होता है एंड सिस्टम को
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, जिसे कोई वर्क करने का एक प्रोसेस है, कोई वर्क करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस के माध्यम से हम उस वर्क को करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा न्यू इसका दोबारा एक नया प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, एक सिस्टम है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिसर्च के माध्यम से, जनरेट न्यू नॉलेज। रिसर्च के माध्यम से हम न्यू नॉलेज, किसी ब्रांच ऑफ नॉलेज का न्यू नॉलेज भी हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल या साइंस के बारे में हम कोई नया नॉलेज भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं और आगे के लेक्चर में हम अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।